हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। ऐ सरकारे मदीना अलैहि सलातो तस्लीम के पैरदीवानों, मुझे गैरत आती है ये बात कहते हुए कि जब टिकटॉक आया था वजूद में, तो टिकटॉक पर जो सबसे पहला वीडियो वायरल हुआ था वो एक मुसलमान नकाब पहनी हुई लड़की का था। शायद आपके शहर में भी आया हो ये वीडियो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, पूरे बॉम्बे में ये वीडियो वायरल कर रहा था। अपने किसी कॉलेज बॉय कॉलेज फ्रेंड के साथ, जो कि मुसलमान नहीं था, उस लड़की ने वीडियो बनाया था नकाब पहनकर, और वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ कि उस लड़की को खुद जो है जिल्लत और रुसवाई का मुंह देखना पड़ा है, शर्मिंदा होना पड़ा है। आपको शायद पता नहीं होगा, चंद दिनों पहले की बात है, एक नौजवान सऊदी अरब से हिंदुस्तान आया था। उसके मां बाप ने गैर मौजूदगी में उसके लिए एक रिश्ता पसंद किया, व्हाट्सएप के जरिए रिश्ता तय हुआ, लड़की की तस्वीरें शेयर की गई, लड़के ने तस्वीरें देखी, पसंद किया, इजाजत दी, यहां पर सारी तैयारियां हो गई शादी की। लड़का वहां से वापस आता है हिंदुस्तान, फला तारीख को निकाह होना है, पूरी तैयारियां शुरू हो गई। जिस दिन बारात जाना था उससे दो दिन पहले लड़के ने अपने माँ बाप से कहा, उस लड़की से मैं शादी करने को तैयार नहीं। लड़के के माँ बाप ने कहा, भला तुझे क्या हो गया, हम जबरन तो तेरा रिश्ता नहीं करवाते, हमने तो लड़की की तस्वीर दिखाई थी, तुझसे इजाजत ली थी, तब जाकर बात पक्की की, अब दो दिन पहले तू इनकार करता है, वजह क्या? तो लड़के ने कहा, वजह जो भी हो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो लड़के के माँ बाप ने कहा, ठीक है, अगर तू हमें नहीं बता सकता तो हम तो उस लड़की के माँ बाप को जवाब देने से रहे, तू खुद कॉल करके उनको मना कर दे कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूंगा। लड़के ने कहा ठीक है। उसने कॉल किया होने वाले ससुर साहब को और कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। लड़की के बाप ने पूछा, वजह क्या? उसने कहा, वजह क्या है मुझसे मत पूछो, बस इतना सुन लो कि मुझे निकाह नहीं करना आपकी बेटी से। तो लड़की के बाप को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि तुझे तो निकाह करना पड़ेगा। कार्ड छप गया, दावत बट गई, सारा इंतजाम हो गया, अब अगर तू शादी नहीं करेगा हमारी नाक कट जाएगी, हमारी बेटी से कौन शादी करेगा, तुझे तो शादी करना ही होगा। लड़के ने कहा, मैं नहीं करता, चाहे जो कर लो। तो लड़की के बाप ने धमकी दी, दो दिन के बाद या तो तू बारात लाएगा या तो हम पुलिस लेकर तेरे घर में आएंगे, हम तेरे नाम पर मुकदमा दायर करेंगे और फिर जिंदगी भर तू जेल में चक्की पीसेगा। अब तू बता के तुझे जेल में जाना है कि निकाह मेरी बेटी से करना। तो जानते हो लड़के ने क्या कहा? लड़के ने कहा, मैं चाहता था कि पर्दा पड़ा रहे, मैं ना कहूं कुछ, लेकिन अब जब आपने धमका दिया है तो सुने, आपसे आपकी बेटी से शादी करने का जो मैं इंकार करता हूं उसकी वजह क्या? मैं आपके व्हाट्सएप पर अभी आपकी बेटी के वीडियोस की लिंक भेजता हूं, आप जाकर फेसबुक पर यूट्यूब पर अपनी बेटी के वीडियोस देख लें। अरे जो लड़की अपने सर से दुपट्टा हटाकर अपने चेहरे को खोलकर गैर महरम लड़कों के साथ रोजाना टिकटॉक पर वीडियो बनाती हो और उसे यूट्यूब फेसबुक पर अपलोड करती हो और अपने आप को बहुत हसीन और जमील समझती हो, ऐसी बेहया बेगैरत लड़की से मुझ जैसा कोई नेक इंसान निकाह नहीं कर सकता, उसकी वजह कि आपकी बेटी बेहया बेगैरत है, वो टिकटॉक पर स्टार बनी बैठी हुई है, अगरचे आपको खबर नहीं है लेकिन न जाने कितने उसके हुस्न जमाल के दीवाने हैं। अगर मैंने आपकी बेटी से निकाह कर लिया और निकाह के बाद मैं कमाने के लिए फिर 2 साल को सऊदी चला गया तो क्या इस बात की जमानत आप दे सकते हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी अपनी इज्जत की हिफाजत करेगी, मेरी बीवी अपने मेरे माँ बाप का अदा करेगी, वो मेरे घर की हिफाजत करेगी? अरे जो अपनी इज्जत को रोजाना टिकटॉक पर नीलाम करती हो, ऐसी बेहया बेगैरत से मैं कभी निकाह नहीं कर सकता, और इसके बाद भी तेरी आंख ना खुली हो तो सुन ले, मैं जेल की कैद तो बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन एक बेहया लड़की से निकाह करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐ सरकार मदीना के पैरदीवानों, जरा सोचो, जिस नबी ने अपनी उम्मत की औरतों को पर्दे का हुक्म दिया, जिस नबी ने अपनी उम्मत की औरतों को यह पैगाम दिया कि तुम कुरान की तिलावत भी करो तो कोई गैर महरम तुम्हारी आवाज न सुन सके, तुम अल्लाह का सजदा भी करो तो बाहर वाले कमरे से बेहतर है कि अंदर वाले कमरे में अल्लाह का सजदा करो। जरा सोचो, जिस नबी ने अपनी कौम की बेटियों को, अपनी उम्मत की बेटियों को इस तरह से शर्म हया का पैगाम दिया, आज इसी उम्मत की बेटियां सरों से दुपट्टा उतार कर, चेहरे को खोल कर, जुल्फों को बिखेर कर, गली कूचों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, मॉल में, शॉपिंग मॉल्स के अंदर, बाजारों में बेहयाई बेगैरती का मुजस्समा बना घूम रही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।